आज आस्क आगा में हम बना रहे हैं किड्स रेसिपी, जिसमें शामिल है सौफ, खुश्क पुदीना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, मीठा सोडा और शक्कर। सौफ पेट के गैसेस और बदहजमी का कदीम तरीन नुस्खा है। पुदीना पेट के मुख्तलिफ अमराज के लिए दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची अपने खुशबूदार और मुनफरिद जायके की वजह से खाने और चाय में इस्तेमाल की जाती है। बड़ी इलायची पेट के एंजाइम को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। मीठा सोडा नमकियात के इखराज के बाद जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल किया जाता है। शक्कर मिठास के शौकीन लोगों के लिए एक नेमत। सो लेट्स आस्क आगा के आज ये बच्चों के लिए रेसिपी किस तरह बनाई जाए। वेलकम बैक, अब वक्त हुआ है आस्क आगा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। इससे पहले कि हम आपकी रेसिपी पे जाएं, एक सवाल, जलजला में अगर लोग एरियाज पे कुछ सामान भेजना चाह रहे हैं, खासतौर पर खाने का, तो वो क्या एनर्जी चीजें हैं जो इस वक्त हमें भेजनी चाहिए? देखिए, सप्लाई मुश्किल है, रोड्स तंग हैं। ज्यादा बेहतर बात यह है कि मेरी राय में बिस्किट्स एक ऐसी चीज है जो कि फौरी तौर पर तवानाई बहाल कर देंगे और एक ड्राई चीज वहां तक पहुंचते हुए कहीं एक्सपायर नहीं होगी। कोई और चीज भी अगर हम भेजते हैं, जैसे ब्रेड्स भेजते हैं या कोई सैंडविच भेजते हैं, तो डेफिनेटली रस्ते में कहीं होल्ड करेगी तो मसला हो जाएगा, लेकिन बिस्किट एक ऐसी चीज है जो वहां तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए। यू ऑल्सो मेंशन्ड बहुत इंटरेस्टिंगली ब्रेक में टॉर्चेस, टॉर्च। अच्छा, इसमें बड़ा एक अजीब सिलसिला था। लास्ट टाइम जो हमारे साथ ये डिजास्टर आया था, तो उस वक्त लोग जो है वो रिचार्जेबल लाइट्स भेज रहे थे। मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैंने वहां पर जाकर कहा कि रिचार्जेबल लाइट क्यों, इसी के वहां लाइट कहाँ है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो रिचार्ज कहाँ से करेंगे, तो लिहाजा सेल लाइट। तो जो ड्राई सेल लाइट्स हैं, टॉर्चेस हैं, वो वहां जरूरत है ताकि रात के वक्त लोगों को कुछ कुछ मिल सके, इसलिए कि लोग अब इतनी दूर हैं कि वो रात को आग जलाकर जो हम एनर्जी में लेते हैं, गर्मी लेते हैं, वो शायद नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम लाइट जलाने का कोई इंतजाम वहां मौजूद हो। सर्दी से बचने के लिए कौन सी ऐसी खुराक होनी चाहिए जो थोड़ा सा जिस्म के लिए अच्छी हो? आमतौर पर जितनी भी, अब देखिए फिर वो सप्लाई वाली बात आ रही है कि हम सप्लाई क्या कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि हम छोटी छोटी सी चीजों को देखें, जैसे मैंने बिस्किट्स के बारे में, बिस्किट पेट अगर भर दे तो फिर इंसान इस काबिल होता है कि गर्मी को अब्सॉर्ब कर ले। जब पेट में ही कुछ नहीं है तो फिर कैसे अब्सॉर्ब करे? तो बुनियादी चीज है कि हम वहां खुराक क्या पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आसान तरीन चीज है वो बिस्किट है, कि बिस्किट कम से कम वहां पर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और एंड पॉइंट तक, बिल्कुल लो एरिया तक जा सकता है। थैंक यू। ओके, आज का रेसिपी बच्चों के लिए क्या चीज इज इट, you know, what things does it have? बच्चों में आमतौर पर जो होता है वो पेट की खराबी की वजह से वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशन होने लगते हैं। वो तमाम बच्चे जो छोटे, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको किसी भी किस्म का पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, या जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए कि वो जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो कहीं भी कोई चीज मिली उन्होंने उठा के मुंह में डाल ली। yes, हाँ। so, ये फूड पॉइजनिंग के लिए डेफिनेटली मैं असल में जो आज रेसिपी दे रहा हूँ उसमें हमने जिन चीजों का इंतखाब किया वो है पुदीना। ये मैंने पुदीने की खुश्क पत्तियां ली। अच्छा, खुश्क पत्तियां हमें उसूली तौर पर 5 से लेकर 7 ग्राम हम ले सकते हैं अगर हम इस रेशो में ले रहे हैं तो, और क्योंकि ये बहुत हल्की होती है लिहाजा मैं इसे तकरीबन ये मैंने 5 ग्राम के अंदाजे से ली। तो पुदीना, सौंफ, ये फनल, कितना इसको उसूली तौर पर 3 ग्राम लेना चाहिए। मैं ये क्योंकि चमचा बहुत छोटा सा है, छोटा चमचा तो इसलिए मेजरमेंट उसके हिसाब, ग्राम के उसके लिहाज से कर लें। इसमें मैं सिर्फ 1 अदद बड़ी इलायची डाल रहा हूँ इस रेशो के लिए, और तकरीबन 6-7 छोटी इलायची। कार्डमम दुनिया में सबसे ज्यादा पेट के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें क्योंकि बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने अपने पैकेज में एक बात कही थी कि अगर लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पेट खराब हो गया है, तो बच्चों में प्रॉब्लम ये आती है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाता है, उनके जिस्म के नमकियात खराब हो जाते हैं। अब खुदा ना खासा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है और डॉक्टर को तो रात को आना है, तो वो टाइम हम कैसे गुजारें? ये रेसिपी उस कमी को पूरा कर रही है।
तो ये हम बना के घर में रख सकते हैं। बिल्कुल बना के घर में रख सकते हैं। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 ग्राम मीठा सोडा डाला है, मीठा सोडा इज, और ये इसके अंदर शक्कर है, चीनी जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम बच्चों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, इसलिए इसमें चीनी मैं 5 से लेकर 7 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारी रेसिपी कम्प्लीट। अगर सर जो ग्राइप वाटर होता है जो हमेशा हमने पिया होता है स्पेशली जब मतलब ऐसे पेट या यू नो उल्टी के बाद या कुछ, उसमें क्या इज इट जस्ट शुगर और पानी या उसमें और भी, उसमें भी कुछ होता है? नहीं, वो तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को कम्प्लीट करने के लिए वो तमाम चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर हमारे जिस्म में सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाएं तो मुख्तलिफ चीजें आने, अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो हमारे लिए दिल की रफ्तार बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, नमक अगर कम हो जाए तो मेंटल लेवल में फर्क आने लगेगा, तो इसलिए बहुत बच्चों में खासतौर पर जहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं वहां पर हमने इसमें ये रेसिपी आप पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसमें हमने जो इस वक्त रेसिपी को वो किया है ये किया है एज अ पाउडर, या हम इसको पाउडर घर में बनाकर रख लें। अच्छा, अब इसको दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर फर्ज करें कि बहुत छोटा बच्चा है वो ज़ाहिर पाउडर नहीं ले सकता तो इस पाउडर को हम पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। ओके, मैं एक और बोल निकाल लू मैं इसके लिए। अच्छा एक चीज, बिकॉज आप सारी चीजें फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश चीजों की एक्सपायरी कब तक होती है? मिक्सचर बन जाने के बाद ये 6 महीने तक कभी भी खराब है। रियली? अब आप ये देखिए ये पाउडर बन गया, आप इसकी खुशबू देखिए यहाँ तक आ रही है ऐसे। हाय, इट्स एक्सेलेंट, इट्स रियली नाइस। ज्यादा नहीं वरना दोपहर में भूख ज्यादा लगेगी। इट स्मेल्स अ बिट लाइक वो व्हाट्स दैट थिंग व्हेन आई हैव अ कोल्ड? विक्स? नहीं, ये विक्स बट नो, वो पाउडर जुशांदा। आप देखिए जुशांदा आपको पता नहीं क्यों याद आ गया, लेकिन बहरहाल इसमें विक्स में क्योंकि बहुत ज्यादा मौजूद होती है पुदीने का सब पेपर में। अच्छा, तो इसलिए अब इसमें क्योंकि खुशबू आ रही है वो दरअसल पुदीने की खुशबू है। ये देखिए, ये अब हमारे पास ये पाउडर तैयार है, हमने इसका नाम रखा है किड्स पाउडर। अच्छा, ये पाउडर अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर बच्चों के उन अमराज में जिसमें बच्चों का पेट का कोई भी मसला हो। ठीक है, ये रेसिपी डिहाइड्रेशन इस्तेमाल करते हैं? जी, अब इसमें 3 मसाइल हैं। अगर फर्स्ट करें कि वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसको हम थोड़ा सा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून लेकर इसको बहुत गर्म पानी ले लें, उस गर्म पानी में डालकर इसको रख लें। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया। ठीक, अब इस पानी में पाउडर नीचे बैठ जाएगा, इस पानी को नहीं तो आप छान लें, और छानने के बाद इस पानी का एक एक छोटा छोटा सा चमचा बच्चे को हर 5 मिनट के बाद देते रहें तो उसकी वॉमिटिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, लूज मोशन भी हो रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है, और आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम ज्यादा है, आप ये बनाइए, घर में इस्तेमाल करते रहिए, मुसलसल उसको 5-5 मिनट बाद 1-1 टीस्पून पिलाते रहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी देर के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आगे साहब, वी हैव अ कॉलर ऑन द लाइन। फारा, अस्सलाम वालेकुम। फारा, अस्सलाम वालेकुम जॉर्ज, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारा, आप दोनों की जबरदस्त है, काफी दिनों से नंबर मिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था जी। आगर साहब से बात करनी थी, प्लीज। जी प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम आगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगर साहब, आपकी रेसिपीज बड़ी जबरदस्त होती है, बल्कि आपके मुफीद मशवरे में इस्तेमाल करती हूँ। पिछले दिनों आपने एक बताया था खांसी के लिए, मुझे टी बताई थी। दरअसल मैंने हाफ उसका रेसिपी नोट की थी तो लाइट चली गई। ठीक है, अभी लास्ट वीक मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा शदीद कफ हुई थी तो, लेकिन किसी भी दवा से आराम नहीं आ रहा था, तो मैंने वो अंदाजा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी वही मुलट्ठी और वो अमलतास आपने बताया था वो मुझे सही तरह बता दीजिएगा। वो मैंने उसको सिर्फ 2 डोज दिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सोए भी। अब एक मसला मेरे बेटे के साथ ये है कि उनका ये जो खड़खड़ाहट थी है ना, कोई चीज इस तरह करते रहते हैं, वो नहीं जाती है। 4 साल के हैं
और इनको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होती है। ठीक अरे अब ये दो मसले आज साहब आज वाली रेसिपी भी मैंने नोट कर ली है जबरदस्त। इसी तरह आप प्लीज करें अगर आप इंटरनेट पे जाती हैं तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे जाइए क्योंकि वेबसाइट पे हम आगा साहब की रेसिपीज डालते रहते हैं। ओके ओके ठीक है ओके थैंक्स जो हम अब इस रेसिपी की बात कर रहे थे ये वो रेसिपी है जिसमें हमने शक्कर और मीठे सोडे के इस्तेमाल के बाद इसको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कर लिया। डिहाइड्रेशन ये पानी अगर मसलसल दिया जाए तो नहीं होगी डिहाइड्रेशन बच्चे को नहीं होगी और किसी भी तरह का डेंजरस लाइन नहीं आएगी। नो साइड इफेक्ट एंड ये रेसिपी सिर्फ बच्चे के लिए या एडल्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं एडल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा इससे आपकी भूख भी अच्छी होगी पेट का निजाम भी अच्छा होगा। नहीं, भूख अच्छा, और नहीं करवानी भूख ठीक है जितनी है। अच्छा वो जो खातून कह रही थी हाँ। उनको शायद थोड़ी सी एक टिप उसमें थी कि अमलतास का अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ ये गला ठीक होगा बल्कि उस बच्चे का कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। और आपने जिस तरह कहा कि वो नेट पे जा करके वो तमाम चीज रेसिपी ले लेंगी तो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होगी और कफ भी। ठीक है प्लीज गो ऑन द वेबसाइट डिटेल्स है वहाँ सारी एंड अगर नहीं मिलती है ईमेल कीजिए हमें हम आपको डिटेल दोबारा दे देंगे नो प्रॉब्लम। जी एंड इफ आपका आपके पास सवाल आगे साहब के लिए प्लीज कंसीडर यू कैन ईमेल अस एट kag@raj.tv। सो लूज मोशंस हो या थ्रोइंग अप से डिहाइड्रेशन जो जाती है दिस इज अ रेसिपी उसमें डिहाइड्रेशन के लिए भी मैंने इसमें मैनेज किया है जैसे मैंने आपसे इसकी हाँ। मीठा सोडा है ये हमारी डिहाइड्रेशन को कंपैरेटिवली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज कर देगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अच्छा और इसको मैं किस तरह स्टोर करूं डब्बे में डाल के फ्रिज में? नहीं फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है इसको सिर्फ एयर टाइट डब्बे में रखें रूम टेम्परेचर पर और ये 6 महीने तक ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह रहेगी इसके किसी भी असर में कोई कमी नहीं आएगी और न सिर्फ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा इसका स्मेल बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह ताला तमाम चीजों के लिए बहुत अच्छी। ग्रेट ओके किरण है लाइन पे अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और जॉर्ज आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ वो आपको लगेगा अच्छा अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब से बात कर सकते हो? जी मैं हाजिर हूँ हुक्म कीजिए। अच्छा जी आगा साहब मेरे 2-3 मसले हैं। जी एक तो ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। जी उसके लिए प्लीज आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हाई रहता है उसके लिए आपने बताया था कि रात को गर्म दूध में हल्दी डालकर पिए। जी जी वो पी सकते हैं जी। और सबसे पहले आप मेरे सवाल सुन रहे फिर आप ऑनलाइन प्लीज जवाब आज मुझे जरूर दे दीजिएगा। जी प्लीज आप सवाल। दूसरा मसला ये है कि मेरा वेट ज्यादा है मुझे अपना वेट कम करना है उसके लिए मुझे आसान सा कोई आप नुस्खा बता दीजिए। जी और एक मेरा बेटा है 5 साल का उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ना लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है उसका हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो बच्चों को जो छोटे से ग्लैंड्स हो जाते हैं ना वो उसके हैं मतलब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि खुद ही वो रिलीव हो मतलब ठीक हो जाएंगे वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसका आप मुझे बता दीजिए। दूसरा ये कि एक बच्चों में चीज होती है आईआर लेवल वो उसका बाजुका जब उसको टाइफाइड हुआ था तो वो हाई हो जाता है और दूसरा ये कि उसका विटामिन के लेवल जो है ना वो थोड़ा सा कम है। जी ओके किरण ये सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए मैं सुन रही हूँ अभी 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 2 मिनट रहते हैं अभी जवाब दे रहे हैं आप। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मैंने दूध और हल्दी के लिए कहा था दूध में मलाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है हल्दी को गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 टाइम 1 ग्राम की मिकदार में ले लें तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तीसरी बात यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सुबह के वक्त 1 टेबल स्पून शहद में 3 कतरे कलौंजी ऑयल खालिस अगर हो वो इस्तेमाल कीजिए उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। जहां तक बच्चे का ताल्लुक मैं आपसे करूं कि जो ग्लैंड बन गए हैं शायद इस बात की अलामत हो कि बच्चे को पुरानी बहुत छोटा जब बच्चा होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से तमाम चीजें पैदा होती हैं। अब भी उस बच्चे के कॉन्स्टिपेशन अगर मैनेज कर लिया जाए तो ये तमाम चीजें लोअर एब्डोमेन का पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेट कम करने के लिए बड़ा सा मसला है उसके लिए फिर वक्त बहुत तवील चाहिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ठीक है उसके लिए यहाँ भी watch agle hafte ka show theek hai thursday ko agar sir thank you।